तो गाइस फाइनली रिक्शा में बैठ चुके हैं और कनखल के लिए निकल चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं भोलेनाथ के ससुराल कनखल मंदिर में। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कनखल में। इस टाइम सड़कों पर घूम रहे हैं हरिद्वार के, रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली श्री दक्ष प्रजापति मंदिर हम पहुंच चुके हैं, जो हमारे महादेव जी के ससुराल थे, हम उस वाले मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो आप गाइस पीछे देख रहे होंगे वो गेट अंदर जाने का, तो यहाँ पर ग्राउंड सा बना हुआ है ऐसा। यहाँ पर सारी रिक्शा खड़ी हैं, काफ़ी लोग बैठ के यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अंदर जाने का मेन रास्ता है यहाँ से। तो हम चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं हम भोलेनाथ जी के ससुराल। तो दोस्तों बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन मंदिर है हरिद्वार में, बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो आप देख सकते होंगे अंदर चल के हम आपको जितना हो सकता होगा उतना हम आपको भोलेनाथ जी के ससुराल के बारे में जानकारी देंगे और आपको दिखाएंगे अंदर का कैसा बना हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही एक्साइटमेंट है देखने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी करें मंदिर के अंदर। टाइम हम आ चुके हैं दक्ष प्रजापति मंदिर में। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बना हुआ है। अब हम आप चलते हैं, आपको धीरे धीरे आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली महादेव जी के दर्शन तो हम कर चुके हैं, जो आप मेरे पीछे दरबार देख रहे होंगे ये महादेव जी का मेन दरबार है। तो दोस्तों यहाँ पर अंदर वीडियो बनाना, फोटो खींचना तो अलाउड नहीं था, तो मैंने आपको बाहर से ऐसे दिखा दिया है। यहाँ पर अंदर जो है सामने महादेव जी का दर्शन करके हम आ चुके हैं। अब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये दक्ष प्रजापति जी का मंदिर है। अब हम दक्ष प्रजापति जी के मंदिर में जाएंगे, बट यहाँ पर फोटो खींचना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। दक्ष प्रजापति जी का मंदिर तो यहाँ पर है दोस्तों। अंदर मैंने पंडित से पूछा है वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ थोड़ा सा मंदिर का दृश्य। तो गाइस कुछ ऐसा बना हुआ है दक्ष प्रजापति जी का मंदिर। तो गाइस यहाँ पर ये भैरव बाबा जी, बजरंग बली और गणेश जी का दरबार है, यहाँ वीडियो बना सकते हैं। मैंने पंडित से पूछ लिया, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ का दृश्य बना हुआ है। तो अब इसके बाद अभी एक जगह और रह गई है हमारी अंदर की, तो हम वहाँ चलते हैं उसके बाद। तो गाइस यहाँ पर शीतला माता का विशाल मंदिर, प्राचीन मंदिर, तो आप देख सकते हैं शीतला माता का मंदिर है। यहाँ भी हमने अंदर दर्शन कर लिए, बट यहाँ पर अंदर भी मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो अब चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गंगा है। अब आपको गंगा दिखाते हैं यहाँ की। देखिए कुछ ऐसा बना हुआ है चारों तरफ का, इतना बड़ा ऐसा कुछ मंदिर बना हुआ है। तो गाइस यहाँ पर ये गंगा माता जी की मूर्ति आप देख सकते हैं अंदर। सो गाइस दिस इज गंगा, यहाँ भी गंगा है, वहाँ भी गंगा है, चारों तरफ गंगा ही गंगा है। देखिए यहाँ का बहुत ब्यूटीफुल सीन है, यहाँ भी बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। बट यहाँ भी हम पूरे एरिया में सब जगह घूम चुके हैं दोस्तों। अब हमें लास्ट जो जाना है वो चंडी माता जी का मंदिर जाना है। तो अब हम चंडी माता जी का मंदिर जा रहे हैं गाइस। अब हम श्री महाकालेश्वर मंदिर में आ चुके हैं, जो शीतला माता ये मंदिर के पास ही है बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, यहाँ का थोड़ा सा मंदिर, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड है।